हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अब बात करने जा रहे हैं, यूवीवी कॉन्ट्रैक्ट्स। सर, यूवीवी कॉन्ट्रैक्ट्स, यूवीवी सनग्लासेस सुना था, ये यूवीवी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? आप देखते हैं। ओके, देखो टोटल 13 कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स हैं, राइट? तो हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। हमने सबसे पहले वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स कवर कर लिया था और उसके बेस पर हमको समझ गया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। और हमने फिर ये भी कवर किया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्टिजेंट क्वासी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। और फिर हमने ये भी कवर कर लिया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड या फिर पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम बात करेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, मे बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मे बी अ अनइंफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफोर्सिएबिलिटी। और इसीलिए इसको कहा मैंने यूवीवी, है ना इंटरेस्टिंग? और इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए रे बाबा, देखने का बार बार देखने का। चलो आगे बढ़ते हैं, जो का बात है। तो चलिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे बी अनइंफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अरे सर, ये परेशान कर दिया सर। अभी तो आपने पढ़ाया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, तो वो इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट ही है। मैंने कहा मे बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे बी अनइंफोर्सिएबल। यस, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे बी अनइंफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसे? आओ देखें। ऐसे ध्यान से देखना, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट किंतु परंतु ने काफी कुछ परेशान कर देता है ना। बट अनइंफोर्सिएबल मीन्स कैन नॉट टेक लीगल एक्शन। अनइंफोर्सिएबल का मतलब ये है कि कैन नॉट टेक लीगल एक्शन। कब? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नैलिटीज, मतलब टेक्निकल वे में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिफॉल्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये अनइंफोर्सिएबल होगा, अदरवाइज ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो मैं वापस रीड करता हूँ। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट अनइंफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट ऑन मेरिट बेसिस बट ऑन द टेक्नैलिटीज। अब बात यह आएगी सर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज का मतलब क्या है? तो टेक्निकलिटीज में हम देखेंगे, और यहां पर देखो एक और चीज बोला है, इट मे बिकम इन्फोर्सिएबल इफ टेक्निकल फ्लो और एरर इज रेक्टिफाइड। मतलब अगर ये टेक्निकल जो एरर है, अगर इसको हम रेक्टिफाई कर देंगे तो ये वापस से इन्फोर्सिएबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना, टेक्निकलिटीज की वजह से ये क्या बन गया? अनइन्फोर्सिएबल। उसको सुधार दो तो बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको देखो कैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, ध्यान से सुनना। लिमिटेशन एक्ट है एक, जिसमें प्रिस्क्राइब किया गया कि इतने समय तक आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। ठीक है, एक सिंपल वे बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर कौन सी जिम्मेदारी, लिमिटेशन एक्ट बोलता है, बाय डिफॉल्ट लिमिटेशन एक्ट में ये बोला गया है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन एक्ट में बोला है एन एग्रीव्ड पार्टी कैन गो टू द कोर्ट, जो इनोसेंट पार्टी है वो कोर्ट में जा सकता है, ओनली विद इन 3 ईयर्स ऑफ अमाउंट बिकमिंग ड्यू और पेएबल। 3 साल के अंदर जब से वो अमाउंट ड्यू होना बाकी है। इसका मतलब समझो, अब इसको मैं एग्जांपल में लेके जाऊंगा ना तो अच्छे से समझ जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल। मान लीजिए मैंने आपसे उधारी लिया, मैं आपके साथ एग्जांपल में लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे उधारी ली, अब मैंने कहा कि मैं आपको अगले महीने की 10 तारीख को चुका दूंगा। सिंपल, मैंने आपसे उधारी ली और आपको कहा मैं अगले महीने की 10 तारीख को आपको चुका दूंगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, हो गया डील, इट्स अ बिजनेस डील। ठीक है, अब आप कब तक मुझे परेशान नहीं करोगे? अगले महीने की 10 तारीख तक। जैसे 10 तारीख आएगी आप मुझे जरूर बोलोगे आपको पेमेंट करना है, राइट है। अब मान लो मैंने नहीं दिया, मैंने बोला नहीं देता, ठीक है कि नहीं है? तो अब बात क्या आ रही है मालूम है? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा तो आप क्या कर सकते हो? मेरे ऊपर एक्शन ले सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। तो आप गए कोर्ट में केस किया, तो भैया आपको पैसा मुझे देना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। मान के चलो आप फॉरेन चले गए उसी बीच में, मैंने कहा था ना अगले महीने की 10 तारीख को आपको दूंगा, लेकिन मान के चलो आप चले गए फॉरेन,
ठीक है, आपने वहां से फोन लगाया, बोला भाई वो पैसा देना था, मैंने बोला भाई भूल गया बीटी। अब क्या हुआ, आप काम में इतना उलझ गए ना कि आप लीगल एक्शन नहीं ले पाए, ठीक है कि नहीं है। और ऐसे करते करते ना ऐसे 3 साल से ज्यादा बीत गए, देखो मैं 3 साल जानबूझ के बोल रहा हूँ, 3 साल से ज्यादा बीत गए, मान लो 5 साल हो गए, और अचानक आपको फिर याद आया या फिर आप फ्री हो गए और बोला बॉस मेरा पैसा है मैं ऐसे तो नहीं जाने देगा, और आप 5 साल के बाद जो है मेरे ऊपर केस कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या 5 साल के बाद केस करने पर क्या आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, है ना। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है, फर्स्ट देखो यहां पर ये वाला, एन एग्रीव पार्टी मींस आप एन एग्रीव पार्टी कैन गो टू द कोर्ट विद इन 3 ईयर्स ऑफ द अमाउंट बिकमिंग ड्यू। हाँ, अगर आपको, मुझे आपको कब देना था, अगले महीने की 10 तारीख को ना, तो आप मेरे ऊपर एक्शन कब तक ले सकते हो, उस तारीख से लेकर आने वाले 3 साल के अंदर तक। आर यू गेटिंग? यस। अगर आपने उस 3 साल के अंदर आपने मेरे ऊपर एक्शन नहीं लिया, लीगल एक्शन नहीं लिया, तो भैया आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट बोलता है अगर आपने कोई भी उधारी ली है और सामने वाला पार्टी अगर आपको पे नहीं कर रहा है, तो ड्यू जिस तारीख का ड्यू है उसके 3 साल के अंदर आपको केस फाइल करना है, अदरवाइज भूल जाओ। तो यहां पर देखो मैं पढ़ा रहा हूं वापस, थोड़ा सा और रिकैप हो जाएगा। इफ द पार्टी हु इज नॉट पेड गोज टू द कोर्ट आफ्टर 5 ईयर, आया ना एग्जांपल में, आप कब गए 3 साल के अंदर गए, नहीं, कब गए 5 साल के अंदर, या आफ्टर 3 ईयर्स गए, आफ्टर 3 ईयर्स गए ऑफ इट बिकमिंग ड्यू, द कोर्ट विल रिफ्रेन, आप सुनेगा ही नहीं, कोर्ट विल रिफ्रेन टू हियर नॉट ऑन मेरिट, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट, नॉट ऑन मेरिट बट ऑन द ग्राउंड ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, जो लिमिटेशन एक्ट है ये वाला, क्योंकि टेक्निकलिटी बेसिस में आप जाओ तो आपने गड़बड़ कर दी है, मोरली बेसिस में तो आपको पैसा आपका वापस मिलना ही चाहिए, लेकिन आप इतने समय तक सोए थे क्या, कोर्ट भी तो बोलेगा ना, बोलेगा भाई जब पैसा देने का टाइम था तब तो सोया क्या, और इतना सो गया कि 3 साल के बाद तो आ रहा है, हमारे पास का कुछ और काम धंधा नहीं है क्या। हाँ, अब आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा रहेगा, सर ठीक है सर, मान लिया हम 3 साल के अंदर नहीं गए, लेकिन सर हमारा पैसा तो हमारा है ना, ऐसा कैसा सर कोई हमारा पैसा खाएगा। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है इट बिकम अनइन्फोर्सेबल, तो कोर्ट साहब बोलेगा भैया टेक्निकलिटी बेसिस पर आप ये कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ओवरड्यू हो गए हो, 3 साल के अंदर केस फाइल करना था, 5 साल में आ रहे, नहीं 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 चलेगा, आप जाओ। लेकिन मालूम है इफ यू हैव अ वैलिड रीजन ना, तो आप ये टेक्निकलिटी को रेक्टिफाई कर सकते हो, जो टेक्निकल एरर है ना, ये 3 साल वाला जो लिमिटेशन था, आप इसको रेक्टिफाई करवा सकते हो। कैसे? यू शुड हैव अ वैलिड रीजन, कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से आप एनी हाउ केस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, समझ रहे बात को। तो वैसा अगर कुछ बात है तो वो कोर्ट के सामने रखो, और कोर्ट आपकी बात सुनेगा, और कोर्ट को सुनने के बाद ऐसा लगा यस आपका एक वैलिड रीजन था, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आप 3 साल के अंदर केस नहीं कर पाए, तो चलो कोई बात नहीं, हम अब एक्शन लेंगे। तो लास्ट पॉइंट वही लिखा है, हाउएवर इफ द जज इज कन्विंस्ड ऑफ डिले ही मे हियर ऑन मेरिट बेस, क्यों, क्योंकि मॉरलिटी की बात करेंगे तो आपका पैसा तो आपको वापस मिलना चाहिए। अरे सर बल्ले बल्ले, ये तो अच्छा हो गया सर, नहीं तो भाई हम लोग को तो टेंशन लग गया था, ये क्या बात हो गई भाई। लेकिन याद रखना यू शुड हैव अ वैलिड रीजन, क्योंकि 3 साल तक आप सोए थे, ऐसा कैसे चलेगा। तो आई बिलीव आपको समझ में आया, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट इट मे बी अ अनइन्फोर्सिएबल बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर, याद रखना बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर। और मुझे बताओ क्या टेक्निकल एरर अगर रेक्टिफाई हुआ तो क्या ये इन्फोर्सिएबल हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स, है ना इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इट मे बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वॉइड का मतलब तो आपको मालूम है, वॉइड का मतलब होता है बेकार, शुरुआत से ही बेकार, शुरुआत से ही बेकार, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, यही हमने बार बार पढ़ा है, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं वापस कह रहा हूं, हमने तो यही पढ़ा है, अगर वॉइड वर्ड लग गया तो इसका मतलब है कि ये शुरुआत से ही बेकार है, अनइन्फोर्सिएबल है, अनलॉफुल है, और ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लेकिन याद रखना वॉइड के बाद क्या लिखा है, एबल, मतलब वॉइड हो सकता है, मीन्स राइट नाउ इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंस, हम देखेंगे वो सर्कमस्टेंस क्या है, उस सर्कमस्टेंस के बीच के वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो क्या लिखा, देखो, कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड अनलेस अवॉइडेड, ठीक है,
जब तक आप इसको अवॉइड ना करो तब तक ये वैलिड है, लेकिन आपने इसको अवॉइड कर दिया तो फिर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ओ तेरी सर, पिक्चर समझ में नहीं आ रही, थोड़ा अच्छे से और समझा दो। अरे एग्जाम्पल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल में ये रिकैप हो जाएगी। इसमें क्या बोला गया है, दो पार्टी होती हैं ऑफकोर्स, कम से कम, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो जिसने प्रॉमिस नहीं निभाई तो वो क्या कहलाएगा, गिल्ट पार्टी या गिल्टी पार्टी। और जिसने, जिसका दिल टूट गया उसको कहेंगे इनोसेंट पार्टी, और यही तो लीगल एक्शन लेगा। तो क्या लिखा, देखो ध्यान से, कि इनोसेंट पार्टी हैज राइट टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना उसको नकार सकता है। अभी नहीं समझ गया, एग्जाम्पल में अच्छे से समझ जाएगा, डोंट वरी। सिर्फ समझ के लो, पहले कुछ चीजें होती है ना, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। तो इनोसेंट पार्टी के पास अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए साफ इनकार कर सकता है। इसीलिए तो बोला है ना कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, देखेंगे एग्जाम्पल में। लेकिन जो गिल्ट पार्टी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना दिया है उसको अवॉइड नहीं कर सकता, उसको करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, अब एक काम करो, एग्जाम्पल समझाई दो, नहीं तो अपना दो कला त्रास होना। चलो ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, इमेज देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बंदा गन पॉइंट पर उसे धमका रहा है, डरा रहा है ना। तो ध्यान से सुनना, कैरेक्टर कौन है, शिवा और कबीर। तो यहां पर समझ लेना, ये है शिवा और ये है कबीर। सेट माइंड, सेट हो गया, हाँ ठीक है। शिवा एट गन पॉइंट मेक्स कबीर टू एग्री फॉर सेलिंग हिज अपार्टमेंट वर्थ ₹6 करोड़ एट ₹3 करोड़। प्रॉपर्टी की कीमत 6 करोड़ है, आपको लगता है कोई 3 करोड़ में बेचेगा? ऑफकोर्स नॉट, देयर शुड बी अ वैलिड रीजन, राइट, उसकी वजह से वो 3 करोड़ में बेचेगा। लेकिन यहां पर तो धमका कर किया जा रहा है। अब कानून को थोड़ी ना पता है कि भैया गन पॉइंट पर यह कॉन्ट्रैक्ट बना है। कानून को जब बताओगे तभी समझ में आएगा, आप समझ रहे हो। मैं आपके पास गया और आपके सिर पर गन रखा और बोला चल तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर फ्री में, चल, और आपने एग्रीमेंट में साइन कर दिया, और आप और मैं कोर्ट के पास गए नहीं, पुलिस के पास गए नहीं, तो आप मुझे बताओ क्या कानून को पता चलेगा इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमने किसी ने डिस्क्लोज किया ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, शिवा ने सीधा उसके सिर पर गन रखा, बोला चल अभी साइन कर और 3 करोड़ में देगा तो इसको, चल। अब कबीर बेचारा डर गया, बोला यार जान जान है तो जहान है, बोला ले भाई। अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, हियर कबीर, कबीर कौन हो गया, इनोसेंट पार्टी। ध्यान से देखना, इनोसेंट पार्टी है ना बेचारा, कबीर इज ए इनोसेंट पार्टी वो कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब मुझे बताओ गलत काम किसने किया, कबीर, सॉरी शिवा ने किया, किसके साथ गलत हुआ है, कबीर के साथ। तो बताओ कबीर के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उसके कुछ राइट्स हैं, है ना, तो उसके अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। उस समय बेचारा मजबूर था इसलिए डर गया। तो यहाँ पर कबीर के पास पावर है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इतना अच्छा चीज दे रहा है, बोलता है कि तू टेंशन मत ले, तू आ, और अगर तुझे ये डील नहीं करनी है तो तू हमको बोल दे, कोई टेंशन मत ले, हम लोग ये जो गिल्ट पार्टी है ना इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इसलिए बोला गया कबीर इज इनोसेंट पार्टी वो कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब भले गन पॉइंट में 3 करोड़ में हाँ बोल दिया है, लेकिन टेंशन मत ले, तेरी चीज तेरा है और तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगा, अगर ये डील हो भी जाती है तो भी हम रिकवर कराएंगे गिल्टी पार्टी से, ऐसा कानून बोलता है। लेकिन उसके लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार नहीं था सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कोर्ट बोलेगा इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू हो जाएगा, है ना, सिंपल, इज दैट क्लियर? ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब बात आते हैं गिल्टी पार्टी की। अब देखो मजेदार बात, शिवा कौन है, यहां पर गिल्टी पार्टी है, और लॉ बोलता है कि भाई तू इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता, तेरे को यह कॉन्ट्रैक्ट निभाना ही पड़ेगा। सर ये समझानी, थोड़ा समझाओ, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो हुआ गलत हुआ, 6 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में डील हुई, ठीक है। अब ऐसा समझ के चलो कि ये डील का कुछ इंस्टॉलमेंट बचा होगा, ठीक है, मान लो, और बीच में ही ऐसा हो गया कि आग लग गई, हर जगह आग लग गई, ठीक है, एग्जांपल ले लो, नेचुरल कैलामिटी की वजह से, मान लो जंगल एरिया था, आग लग गई और उसमें घर भी डैमेज हो गया, अच्छा खासा डैमेज हो गया, ठीक है। और अब जो कबीर की प्रॉपर्टी 6 करोड़ की थी, अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, एक्चुअली आज जो सिचुएशन हुई उसके कारण आज उसकी कीमत सिर्फ 1 करोड़ हो गई।
कितनी थी इसकी कीमत? 6 करोड़। और गन पॉइंट में कितने की डील कराया शिवा ने? 3 करोड़ में। लेकिन आज जो सर्कमस्टेंस हुआ आग लगने के कारण, आज उस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी? जो मैंने कहा 1 या 1.5 करोड़ कहा, ठीक है 1.5 करोड़ पकड़ लो, आज उस प्रॉपर्टी की कीमत सीधा 1.5 करोड़ है, हाफ प्राइस और कम होगी। अब देखो मजेदार चीज, गिल्टी पार्टी को पता चला, बोला अरे बाप रे ये तो अपने को लॉस हो गया, पहले तो अच्छी बात थी 6 की प्रॉपर्टी 3 में मिल रही थी, अब तो 3 की प्रॉपर्टी 1.5 की प्रॉपर्टी 3 में मिल रही है, अरे भैया 1.5 करोड़ का तो नुकसान हो गया मेरे को। तो वो गया, ठीक है कि नहीं है, और इसको बोला, कबीर बोला नहीं अब मैं इसको डील कम नहीं करेगा, तेरे को जो करना है कर, मेरे साथ पुलिस का हाथ है। पुलिस सामने खड़ी है, बोला क्या रे गन पॉइंट में तूने इसके साथ ऐसा किया, चल दे अभी इसको 3 करोड़ में। तो बोलेगा साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने गन पॉइंट में किया, मेरे को उसके लिए जेल में डाल दो, लेकिन मेरा ये पैसा बचा दो। तो कानून बोलेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो गिल्ट पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट से इनकार नहीं कर सकता। नाउ यू हैव टू पे ₹3 करोड़, सोने पे सुहागा, लेकिन ये सिचुएशनल है। तो आई बिलीव आपको समझ में आया मैं इन सब में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रिपीट करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब तक? जब तक इसको अवॉइड ना किया जाए। देखो अभी आपको ये कवर हो जाएगा। अब अगर कबीर आकर बोलता है साहब मेरे साथ गलत हुआ है, तो कबीर के लिए कानून है, बोलेगा तुम तेरे को बचाएंगे हम लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट तू अवॉइड कर दे, हम इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, हम इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। वो अगर जाता है कोर्ट के पास और ऐसा सब बोल देता है, तो ये अब वैलिड की जगह बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ, अचानक आग लग गई, कबीर अभी गया नहीं पुलिस स्टेशन, आग लग गई और प्रॉपर्टी की वैल्यू और भी कम हो गई, और अब कबीर जाता है और बोलता है साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तभी भी कानून बोलेगा डोंट वरी, गन पॉइंट में तो कोई तेरे साथ ऐसा कर नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन कबीर बोलता है मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचनी है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी की कीमत जो है ना और कम हो गई है, 6 की जगह 1.5 करोड़ हो गई है, और मेरे को 3 करोड़ में डील हो रहा था। तो बोला हाँ तो टेंशन मत ले, सब कुछ गिल्टी पार्टी के ऊपर आएगा, गिल्टी पार्टी ने तेरे को गन पॉइंट में रखा ना, बस बात खत्म। उसके पास अधिकार ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, कैंसिल करे, तो उसको बाय डिफॉल्ट 3 करोड़ भरना पड़ेगा, तो टेंशन मत ले, ये फंडा है। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोला गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मींस इट इज अ वैलिड, इफ यू वांट इट कैन बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करार नहीं करोगे, तब तक ये रहेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई बिलीव आपको समझा, काफी डीप लेवल में अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने पढ़ा एबल, अब पढ़ेंगे एग्जैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे सर? अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो वो हमने पढ़ा था सर, वॉइड एग्रीमेंट मतलब शुरुआत से ही बेकार, तो अगर वो शुरुआत से ही बेकार है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझा सर इसके पीछे का, लेकिन अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसा सर बता दो। पहले कुछ बातें पढ़ लें, कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है, बट आगे जाकर वो बन गया वॉइड, और उसके पीछे रीजन है, देयर इज अ वैलिड रीजन, क्या? कि अब वो परफॉर्म नहीं किया जा पाएगा, कुछ कारण हो गए जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल है कि वो परफॉर्म नहीं हो पाया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ही मर गया, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ही मर गया, और उसी के बेस पर ही एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ड्राइंग का, प्लीज ध्यान से समझना, ड्राइंग का एग्जांपल लेता हूँ। आपको स्केच बनाना था मुझसे, तो हमारे बीच में डील हो गया, पैसे का डील हो गया, अब स्केच मैं ही बनाऊंगा, लेकिन मैं अगर टपक गया तो क्या मैं स्केच बना पाऊंगा? नहीं, तो ये क्या हो गया, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया ना। हाँ, तो पहले ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, मैं भी तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हूँ ना आपके साथ, मैं ही टपक गया, तो अब ये कौन काम पूरा करेगा? कोई नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए ये क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इजी है ना। चेंज ऑफ लॉ, लॉ में कुछ बदलाव आ गए तो भैया जो डील आपके साथ हुआ था वो कैंसिल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, और भी कई रीजंस हैं, तो चलो हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं चेंज ऑफ लॉ रिलेटेड। देखो यहाँ पर गुटके का एग्जाम एकदम इजी है, शॉपकीपर एग्रीज टू सेल 100 पॉकेट्स ऑफ गुटका टू कबीर एट अ सर्टन प्राइस, गुटकास विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 4 मंथ्स। डील हो गया और बोला है ठीक है ये आपका पैसा ले लो जो भी देना था, और आप मेरे को 4 महीने में क्या कर दो इसका पैसा दे दो।
When parties entered into contract, law permitted selling and buying of good car. अब हुआ क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तब लॉ परमिट करता था कि आपका सेल या बेच सकते हो. बट आफ्टर टू मंथ, कॉन्ट्रैक्ट बनने के ठीक दो महीने बाद ही कानून ने बैन लगा दिया गुटखे का. अब आप मुझे बताओ, शॉपकीपर को गुटखा कितने समय के बाद देना था कबीर को? 4 महीने के बाद. लेकिन लॉ ने उसके ठीक 2 महीने बाद ही बैन करा दिया, बोला गुटखा नहीं बिकेगा. तो भैया अब कॉन्ट्रैक्ट क्या बन चुका है? वॉइड बन चुका है. और जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन चुका है तो अनइन्फोर्सिएबल बाय लॉ है. इज दैट क्लियर? तो इसीलिए इसको बोला गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल द ऑल टाइप्स रिलेटेड टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, विच इज कॉल्ड अनइन्फोर्सिएबल, वॉइडेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. है ना, इजी है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं, तो एक सारांश तो बना बहुत जरूरी, क्योंकि हमने अलग अलग पार्ट्स में सारी चीजें सीखी है. तो चलो एक नटशेल करते हैं और आपको एक रिकैप भी हो जाएगा. चलो फटाफट. सबसे पहले हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट. और टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में हमने सिर्फ 2 एग्रीमेंट देखा था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकते हैं. और वो क्या है? इल्वो, इल्लीगल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट. तो शॉर्ट में क्या याद रखना? इल्वो. ठीक है कि नहीं है? इजी है ना? ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है, वॉइड एब इनिशियो है, नेवर ट्रांसफर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इल्लीगल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट इज अ पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड, बट वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड. इतना याद रखना. अब ये अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बाई डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और उसमें 9 essentials होने जरूरी है. ठीक है कि नहीं है? तब वो क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जैक्टली आप देखोगे ना, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां से शुरू हो रहा है असल मायने में मेरे हिसाब से. और ये सही भी है, रिदम है. ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट बेकार है तो जो एक वैलिड एग्रीमेंट होगा विथ 9 essentials वो क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से बन सकता है? एक्सप्रेस वे में बन सकता है, इम्प्लाइड वे में बन सकता है, कॉन्टिजेंट वे में बन सकता है, या क्वासी वे में बन सकता है. तो एक्सप्रेस वे मालूम है, बोलकर, लिखकर या कोई भी गेस्चर. इम्प्लाइड आपको मालूम है, बिना बोले, कंडक्ट ऑफ पर्सन, टैक्सी स्टैंड का एग्जांपल याद है आपको. कॉन्टिजेंट लाइब्रेरी, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मालूम है, विच इज कंडीशनल. एग्जांपल में आपको मैंने बताया था इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि किसी की बेस पर आप अमीर नहीं बन सकते हो, याद है कि नहीं है? यस. तो ये क्या है? इम्प्लाइड बाय लॉ है. ठीक है, नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट. और हम सबके बीच में बाई डिफॉल्ट कहीं ना कहीं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है. ठीक है, अब यही जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. और अगर दोनों पार्टी ने अभी तक अपनी प्रोमिसेस पूरी नहीं की है तो वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. और अगर दोनों पार्टी में से एक पार्टी ने उसको फुलफिल कर दिया और एक पार्टी ने अपनी प्रोमिस अभी फुलफिल नहीं की है तो वो पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. है ना, और यही कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबिलिटी के बेस में अगर आप देखोगे तो वो अभी वैलिड है लेकिन फ्यूचर में अनइन्फोर्सिएबल हो सकता है. याद है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर, लिमिटेशन एक्ट का एग्जांपल दिया था, याद है? और अगर वही वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो अभी वैलिड है वो फ्यूचर में वॉइडेबल हो सकता है, याद है एग्जांपल दिया था गन पॉइंट वाला? हाँ. तो यहां पर अगर जो इनोसेंट पार्टी है वो बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं तो चलेगा, लेकिन गिल्टी पार्टी मना नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट के लिए. और इसके मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, याद है ना? 6 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ बाद में लॉस वाला, 1.5 करोड़, याद आ रहा है? दैट्स ग्रेट. और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से वॉइड बन सकता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. उसके एग्जाम्पल्स में हमने कवर किया था चेन इन लॉ, ठीक है, गुटखा का एग्जाम्पल, याद आ रहा है? सो दिस इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल All things about the types of contract. तो मिलते हैं अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए. अरे शॉर्टकट तो बताना भूल गया. हाँ, वैसे मैंने कवर तो करा दिया है, टोटल 13 है. देखो यहाँ पर इल्वो आ गया, है ना, इल्वो आ गया, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लाइड, कॉन्टिजेंट, एक्सप्रेस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फिर पार्टली वाला, फिर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, फिर अनइन्फोर्सिएबल, वॉइडेबल एंड वॉइड. तो इन सबको अगर आपको याद रखना है इस सीरीज में ताकि आपको पिक्चर क्लियर रहे, तो हम इसको कह सकते हैं इल्वो वा आई एम कॉन एक्स क्वासी P
CUVV। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे साथ कहिए, इल्वो वा आई एम कॉन एक्स क्वासी PUVV। इजी है, दैट्स ग्रेट। तो चलो, याद करने की जिम्मेदारी अभी आपकी है, याद कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है एक लॉजिकल वे, ठीक है। चलो तो फाइनली मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।